हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मे बी टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। इस टास्क को बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है और ये सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है। इसलिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, बेल आइकन को दबाना चाहते हैं तो दबा लीजिए, जिससे आपको ये सुबह 8 बजे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का यहाँ पर 43वां दिन देखने को मिलेगा, यानी कि 43 डेज हो चुके हैं आपको ये टास्क देते हुए। और यहाँ पर 27 अगस्त है, तो आज आपको यहाँ पर हिस्ट्री क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के नाम से देखने को मिलेगी। हम जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि आपको 12वीं जो क्लास है, 12वीं कक्षा है, उसमें आपको 3 एनसीईआरटी देखने को मिलेंगी, हिस्ट्री की पार्ट 1, 2 और 3। वो हम कल आपको बता चुके हैं। ओके, तो देखिए इसी के आपको जो पार्ट नंबर 1 है, इसका आपको आगे के जो 2 चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं। कल 2 चैप्टर पढ़ने के लिए दिए गए थे, आज भी ये 2 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको दिए गए हैं। अगर इनके नोट्स बनाना चाहते हैं इन दोनों टॉपिक के, तो बना सकते हैं। वैसे ये दोनों टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट तो हैं, आपको मेंस में काफी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आप इसके ब्रीफ में बहुत नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ओके, वैसे हम आपको नोट करा देंगे जब हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, जैसे हड़प्पा वाला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम आपको बताए थे कि उसके बनाने थे, तो आप लोगों ने बना लिए होंगे। इसके अलावा देखिए आप लोगों के लिए रिविजन भी करना है। रिविजन किस चीज का करना है, तो देखिए आपको 2 रिविजन आज दिए जा रहे हैं। एक तो आपको मैपिंग रिवीजन दिया जा रहा है, जो हम आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जितनी भी लोकेशन आप लोगों को दिए हैं वो सभी की सभी आप लोगों के लिए रिवाइज करनी है। 2 से 3 बार आप लोगों को रिवाइज करनी है, और रिवाइज करना है ऐसे मत सोचिएगा हमने कल भी किया था परसों भी किया था रिवाइज नहीं करेंगे, नहीं, रिवाइज करना है। जितनी बार आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए दिया जाएगा, सरसरी निगाहों के साथ में 2 से 3 बार जल्दी जल्दी देख लिया करिए, 5 से 6 मिनट लगा करेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना, तो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हम आपको दिए थे उसका क्लास नंबर 3 है, उसका आप लोगों के लिए रिवीजन करना है। और जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है तो वो लोग जाकर के क्लास देख लीजिए। ओके, आप लोगों को मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, अभी हम प्लेलिस्ट भी दिखा देंगे कहाँ पर है। ओके, तो या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम लोगों को लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने कवर कर लिया वो रिवीजन करें, करना जरूर है आप लोगों के लिए। इसके अलावा देखिए आज का न्यूज़पेपर है वो आपको फुल रीड करना है। फुल रीड करने से तात्पर्य आप लोग जानते हैं, जैसे कि बहुत बार बता चुके हैं कि पूरा नहीं पढ़ना होता, जो भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए वही पढ़ना होता है। इसके अलावा देखिए आपको लाइव क्लास है, शाम को आपकी 6 बजे लाइव क्लास होगी आईआर पर। काफी बेहतरीन क्लासेस आप लोगों की चल रही है, आकर के ज्वाइन करिए। आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए शाम को 6 बजे क्लास होती है। इसके अलावा चलिए हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका की कुछ फिजिकल लोकेशन के बारे में। तो आज देखिए हम पूरे जो अफ्रीका है ना, इसमें कितने डेजर्ट है उन डेजर्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं, मतलब मरुस्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एक आपको यहाँ पर सहारा मरुस्थल देखने को मिलेगा। देखिए अफ्रीका में सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल देखने को मिलेगा, जो कोई विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, तो देखिए सहारा मरुस्थल इस तरह से आप लोग देखेंगे तो इस रीजन में इस तरह से आपको सहारा मरुस्थल देखने को मिलेगा। फिर देखिए साहिल मरुस्थल, तो देखिए जो यहाँ पर साहिल डेजर्ट है ना, ये सहारा मरुस्थल है ना, इसके ही नीचे इस तरह से नीचे वाले पार्ट को एक तरह से बोलते हैं, ये पूरा मरुस्थल बहुत बड़ा मरुस्थल देखने को मिलेगा। देखिए मैं दोबारा से बना देता हूँ, तो देखिए जो ये वाला रीजन है ना, इसको बोलते हैं सहारा डेजर्ट। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सहारा डेजर्ट बोलते हैं। और इसके नीचे इसी तरह से एक पट्टी आपको दूसरी पट्टी देखने को मिलेगी, तो ये दूसरी पट्टी है ना, इसको क्या बोलते हैं, साहिल डेजर्ट बोलते हैं। हो सकता है आपके एटलस में ना दिया रखा हो तो आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। ओके, आप लोग गूगल भी करके देख सकते हैं अगर आप लोगों को देखना है, वैसे हम आपको बता दिए हैं तो आप लोग अपने मैप में एक्स्ट्रा नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको लीबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। लीबियन डेजर्ट कहाँ पर है, तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर आपको लीबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा, और फिर ईस्टर्न डेजर्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। तो देखिए लीबियन डेजर्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो लीबियन डेजर्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर देखिए इधर ईस्टर्न डेजर्ट देखने को मिलेगा, तो ईस्टर्न डेजर्ट क्या है, जो साइड से ये आप लोग तो पहले भी इसकी लोकेशन देख चुके हैं ईस्टर्न डेजर्ट की। और फिर देखिए इधर ही ईस्टर्न डेजर्ट है, इसी के आप लोग अगर साउथ में आएंगे तो आपको यहाँ पर न्यूबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए न्यूबियन डेजर्ट आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर देखिए कालाहारी, कालाहारी आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कालाहारी देखने को मिल जाएगा। और फिर देखिए नाबीब डेजर्ट, तो नाबीब डेजर्ट तो आपको कल परसों ही आपको दिए थे, मतलब दोनों दिन दिए थे नाबीब डेजर्ट के बारे में बताए थे, तो नाबीब डेजर्ट आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। तो ये सारी लोकेशन है, देखिए यहाँ पर सहारा मरुस्थल इस तरह से देखने को मिलेगा,
इसके नीचे आप लोग देखेंगे तो साहिल मरुस्थल देखने को मिल जाएगा, इधर लीबियन डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, इधर ईस्टर्न डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इधर आप लोग आएंगे तो नूबियन डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, इधर कालाहारी डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, इधर नाब्यूब डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप लोगों को अफ्रीका की सारी फिजिकल लोकेशन है वो कवर कर लेनी है। इसके बारे में हम विस्तार में पढ़ाएंगे, बस अभी आपको इतना ही करने है, अपने एटलस में खोजने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मैप पर लोकेट कर लेना है। और आप लोग ऐसा मत किया करिए कि डेली जो हम आपको लोकेशन देते हैं तो एक ही मैप पर आप लोकेट करते रहे, हर बार में एक नया मैप बनाया करिए, जिससे आपकी मैप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बनाने की, और आप बार बार जब बनाएंगे तो आपको चीजें ध्यान रहेंगी। ओके, तो इस वजह से जितनी भी आपको लोकेशन दी जाती है एक नेक्स्ट पेज पर बनाया करिए आप लोगों के लिए। ऐसा मत सोचिएगा हमारे पेज बर्बाद हो रहे हैं, वो आपको काफी हेल्प करने वाली है, और जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उन्हीं में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेना। ओके, तो वैसे भी इसके अलावा देखिए आप लोगों को संडे को सुबह 10 बजे, एवरी संडे सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए विजन टेस्ट सीरीज है वो लाइव क्लास में सॉल्व कराई जाती है, आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार टेस्ट पेपर 2 हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे इस बार संडे को रविवार को। ओके, आकर के आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ये टेस्ट पेपर 2 है, इसमें अगर आप लोग रिविजन करना चाहते हैं तो आप लोग रिविजन कर सकते हैं। पॉलिटी का इसमें क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, और पॉलिटी में देखिए टेस्ट नंबर 1 था उसमें भी पॉलिटी के थे, तो आधा पार्ट उसमें दे दिया गया था और आधा पार्ट इसमें है। तो देखिए आप लोग ये हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेकर के इन टॉपिक का, अगर आप लोगों ने इन टॉपिक को पढ़ लिया है तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो परेशान नहीं होना है, जो इतना टास्क दिया जा रहा है वही कवर करिए। अब पॉलिटी आप लोग का आईआर के बाद पॉलिटी स्टार्ट होगा, तो पॉलिटी आपकी वहां पर कवर हो जाएगी। तो अभी आप लोगों को केवल और केवल आकर के जो भी टेस्ट हम करा रहे हैं वो आकर के ज्वाइन कर लेना है बिना दबाव के साथ में। आप लोगों ने देखा ना कि हम पहले दिन जब 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और बहुत सारे न्यू मेंबर थे जिन्होंने कभी जिंदगी में पॉलिटी पढ़ा ही नहीं था, उनके भी 8 से 9 क्वेश्चन सही हो गए थे। कैसे सही हो गए थे, हमने आपको ट्रिक बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था, आपको अप्रोच बताए थे, जिससे आप लोग क्वेश्चन क्या कर दिए थे, सही कर दिए थे। ओके, 8 से 9 क्वेश्चन आप लोग खुद ही बोले थे कि 8 से 9 क्वेश्चन सर हमारे सही हो रहे हैं, बल्कि हम आज तक कभी पॉलिटी नहीं पढ़े हैं। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें फैक्चुअल बेस नहीं होता। देखिए फैक्चुअल बेस होता है तो उसमें अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो उसमें अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर राम राम जी की हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और देखिए आपकी आईआर की क्लास है, बहुत ही प्रीमियम क्लासेस शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर होती हैं, आकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टास्क के देखिए हम इस तरह से सभी मंथ में वन बाई वन करके सारी एनसीईआरटी है वो आपको कवर कराएंगे, पढ़ने के लिए देंगे। ओके, तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको 8 बजे सुबह ये टास्क मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों के लिए इस बार 3 बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें एक यूपीएससी का और 2 पीसीएस के बैच आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक यूपीपीसीएस दूसरा बिहार पीसीएस आपको देखने को मिलेगा। इसकी टाइमिंग आप लोग ये देख सकते हैं, अभी बस इस वीक के लिए एक बिहार वाला मतलब यूपीपीसीएस है वो अभी बंद है। ओके, सोमवार से सारी क्लासेस ऑन हो जाएंगी। अभी कौन सी चल रही है, ये वाली लाइव क्लास चल रही है। इसके अलावा करंट अफेयर है वो रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए दिया जाता है, शाम को 6 बजे आकर के क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। संडे को टेस्ट ज्वाइन करिएगा आकर के। और देखिए इस बार जैसे कि हम लोगों ने जूम मीटिंग की थी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो देखिए अभी हम ट्रायल कर रहे हैं दूसरी ऐपों पर, जिससे आप लोगों से अच्छे कम्युनिकेशन हो पाए। जिसमें देखिए एक इंस्टाग्राम है, उस पर भी मतलब हमने सजेशन लिया था तो बोले थे सर इंस्टाग्राम पर भी लाइव आ सकते हैं, तो उस पर भी अच्छे से बात हो जाती है, और उसमें किसी भी लिंक को शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, बाद में एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, और वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए उस पर भी हम विचार करेंगे, एक दो बार हम इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के देखेंगे अपने दोस्तों के साथ में, अगर उसमें कोई समस्या नहीं आती है तो हम उस पर ही लाइव आ जाया करेंगे। तो आप लोग जो भी डाउट हुआ करेंगे आप लाइव अगर के हमसे पूछ सकते हैं तो उसका भी सलूशन किया जाएगा। ओके, तो इस संडे को भी अगर हम देखिए अगर टाइम मिला हमको टेस्ट के बाद में तो हम ट्रायल करेंगे, अगर आप लोग भी हमारे साथ में ट्रायल करना चाहते हैं तो ट्रायल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ओके, कल संडे को आप लोगों को बता देंगे, अगर जो लोग ट्रायल करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर लाइव आ सकते हैं। हम लोग किस टाइम लाइव रहा करेंगे तो वो आप लोग बता दीजिएगा, शाम को 6 बजे या फिर 11 बजे हम लोग लाइव आया करेंगे। ओके, इसके अलावा देखिए आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए तो आपके आई कार्ड बन जाएंगे, सभी लोग के आई कार्ड बन गए, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है, तो आपको आई कार्ड जब भी आप फॉर्म एक फिल करते हैं गूगल फॉर्म में वो फिल करते हैं तो उसके एक वीक के बाद आपका आई कार्ड बन जाता है। तो देखिए ये वाला जाकर के वीडियो आप लोग देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। ओके।